अस्सलाम वालेकुम। एक छोटा सा सवाल है, आइए आज पहले इसको ही देख लेते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल आया कि जब पुकारा है तुम्हें शैतान ईज़ा और दुख पहुंचा रहा है, और इस हवाले से इसकी तफसील जाननी चाहिए। तो ये सूरह नंबर 38 सूरह साद और आयत नंबर इसकी 41 से लेकर 44 तक है, यानी 41 से 44। इस वक्त मेरे पास हाफिज़ नज़र अहमद वाला तर्जुमा है, पहले मैं इस का तर्जुमा बताता हूँ, फिर जो मेरी फहम है वो समझाता हूँ। गुजारिश ये है कि ज़रा तसल्ली से सुने और सवालात जो वो फिर रवायती तर्जुमे से नहीं पूछें। वज़कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी शैतानु बिनुस्बिन वाज़ाब। और आप याद करें हमारे बंदे अय्यूब को, जब उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने ईज़ा और दुख पहुँचाया है। उरकुज़ बिरिजली का हाज़ा मुख्तसलुन बारिदुन व शराब। हमने फरमाया ज़मीन पर मार अपना पाँव, ये लोग गुसल के लिए ठंडा और पीने के लिए शीरीं पानी। ववहबना लहू अहलहू व मिस्लहुम माहुम रहमतम मिन्ना व जिक्र लिउलिल अलबाब। और हमने इसमें इसके अहले खाना और उनके साथ उन जैसे और भी अता किए, हमारी तरफ से एक रहमत थी और अक्ल वालों के लिए नसीहत। वखुज़ बियदिका ज़रसन फज़रिब बिही वला तहनस इन्ना वजदनाहु साबिरन निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब। और अपने हाथ में झाड़ू ले और तू इससे अपनी बीवी को मार, और कसम ना तोड़, बेशक हमने इसे साबिर पाया और अच्छा बंदा, बेशक अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला था। तो ये है वो रिवायती तर्जुमा जिससे सवाल पैदा होता है कि अय्यूब क्या शैतान ने बहका दिया था, शैतान ने ईज़ा और दुख पहुंचा दिया, तो कैसे क्या अय्यूब इतने किरदार के पुख्तगी उनके अंदर नहीं थी कि शैतान बहका दिया। उसके बाद कह के अपना पाँव मार तो गुसल के लिए ठंडा पानी निकल आएगा और शीरी पानी पीने के लिए। तो ये कौन सी बात है कि पाँव मारने से हो, तो अल्लाह की सुन्नत क्या तब्दील होती रहती है, आज ऐसा कोई किसी के साथ क्यों नहीं होता है। फिर कह रहे कि हमने उसको और अहले खाना को उन जैसे और भी अता कर दिए, तो ये रहमत है भी, अल्लाह क्यों अता कर दिया। तो ये तो सीधी सी बात है कि जिस तरह हमारे यहाँ सिफारिश और रिश्तेदारी देखी जाती है, शायद अल्लाह के ने भी इसी तरह कोई सिफारिश या रिश्तेदारी देख ली है। इंतहाई इल्ज़ाम अल्लाह के ऊपर। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि तू अपने हाथ में झाड़ू ले और अपनी बीवी को मार। ये बीवी को झाड़ू से मारना कौन सा हुक्म देना है। और फिर कह रहे कसम ना तोड़ो, तो क्या आदमी कोई कसम खा ले तो बीवी को झाड़ू से मारा करे। एक इंतहाई अहमकाना सोच और अहमकाना हुक्म, ये अल्लाह का हुक्म हो ही नहीं सकता। उसके बाद कह रहे कि उसे साबिर पाया और वो नेमत वाला ताबेदार है, और उसकी तरफ रुजू नहीं करो। तो ये क्या चीज़ आई है, ज़रा इसको गौर से देखें। वज़कुर अब्दना अय्यूब, और याद दहानी लो हमारे ताबेदार अय्यूब की। अय्यूब जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कुरान में जितने नाम हैं, ये यकीनी सी बात है कि फ़र्ज़ी नहीं है। इस नाम की शख्सियत गुजरी ज़रूर है, लेकिन कुरान में जो नाम आया वो किरदार के लिहाज से आया है, इसलिए इसको आप सिफाती नाम कह सकते हैं। तो अय्यूब औब से औब कहते हैं रुजू करने को, तो हमारे ताबेदार रुजू करने वाले ने अय्यूब ने, यकीनी सी बात है जिसने पहले रुजू किया, जिसकी बात ये चली एक शख्स वो था। आज अगर हम भी रुजू करें तो हम भी उसी ज़ुमरे में आएंगे। ये अहकामात इसीलिए कि क्या क्या क़यामत तक इस किताब पर अमल करना है, तो ये उसी वक्त होगा जब क़यामत तक ये अप्लाई हो सके। अगर इसको क़यामत तक इसके मुताबिक अमल नहीं किया जा सकता तो फजूल क़स्से की कुरान में कतई कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कह रहा है कि इज़ नादा रब्बहू, जब उसने पुकारा अपने रब को, अन्नी ये कि मैं, मस्सनी शैतान। मस कहा जाता है किसी चीज़ में दाखिल होकर फ़ायदा हासिल करने को, और शैतान कहता है सरकशी को। तो मैंने दाखिल होकर हासिल किया है सरकशी, बिनिस्बिन एक हिस्से को, वाजाब यानी सज़ा। तो इसका जो रवा तर्जुमा बना, और याद दहानी लो हमारे ताबेदार अय्यूब की या रुजू करने वाले की, जब अपने रब को पुकारा कि ये मैंने सरकशी में दाखिल होकर एक हिस्सा यानी सज़ा को हासिल किया है। तो यकीनी सी बात है जो दाखिल होकर हासिल हुआ, सरकशी में दाखिल होकर हासिल हुआ, तो वो इसलिए हुआ कि अल्लाह की किताब की तरफ रुजू नहीं था, पहले अमल कर लिया। जैसे ही अल्लाह की किताब की तरफ रुजू हुआ तो उसके बाद वो उससे नजात हासिल कर समझ गया कि सरकशी वाला अमल है, क्योंकि हमें फरमाबरदार बनना है, और ये बात क्योंकि ताबेदार था इसलिए उसने रुजू कर लिया। उसके बाद कहा जा रहा है उरकुज़ बिरिजलिका। उरकुज़ इन्होंने तर्जुमा किया ज़मीन पर मार, जबकि रकज़ मारने को कहा ही नहीं जाता है। रिजल मजबूती को कहते हैं, पाँव को नहीं कहा जाता या मर्द को नहीं कहा जाता। इन्होंने कहीं रिजल का मर्द तर्जुमा किया, कहीं पाँव किया है, तो रिजल है ही मजबूती के लिए। तो यहाँ पर दरअसल बात यह है कि अपनी मजबूती को तेज़ दौड़ो। उरकुज़ कहा जाता है तेज़ दौड़ने को, यानी तेज़ी से काम करने को। आप जहनी तौर पर दौड़ें, जिस्मानी तौर पर दौड़ें, या निज़ाम बनाने के लिए उस सोच को जो दौड़ा रहे हैं, तो ये इसमें तेज़ दौड़ना है अपनी मजबूती को। मजबूती के लिए। हाजा ये मुख्तसिलुन गुसल वाला यानी साफ करने वाला, ये तुम्हें साफ सुथरा कर देगा। ये मतलब नहीं कि आप पानी से नहा लें और साफ सुथरे हो जाए, ये गुसल नहीं है। गुसल कहा जाता है साफ सुथरे होने को। बारदुन ठंडक है, वह शराब और शराबी है। तो ये ना पीने वाले और शराब की बात हो रही है और ना किसी ठंडे के बर्फ डालकर ठंडा करके किया जाए, ऐसी कोई बात नहीं हो रही कि ठंडे पानी से नहला दें, ये भी नहीं है। इसका जो रवा तर्जुमा बन गया, अपनी मजबूती को तेज दौड़ो या इसको भागो या आगे की तरफ मुतहरक हो भी कह सकते हैं कि ये धोने वाली चीज़ है, यानी जिससे सरकशी के मैल कुचैल को साफ किया जाए। ये ठंडक देने वाली है, सैराबी है, यानी सैराबी है, ऐसी ठंडक देने वाली कि सैराबी है। जब आप किसी सरकशी में दाखिल हो जाते हैं, जैसे आपको अंदाज़ा होता है कि ये गलत अमल है, तो फिर आप क्या करेंगे? जब आप अपनी कुव्वत से तेज़ भागेंगे उस तरफ, आप अपनी यानी पहलकदमी करेंगे, उस पर पहल करेंगे, आगे की तरफ मुतहरिक होंगे कि अल्लाह का हुक्म क्या है, उसे समझ जाएंगे, तो फिर आप उस सरकशी से बाहर निकलेंगे। तो ये गुसल होना, साफ़ सुथरा होना, उस सरकशी से साफ सुथरे हो गए और वो फिर ठंडक भी पहुँचाती है और सैराबी भी, उससे अच्छे नताइज भी आते हैं। आगे कहा जा रहा है वह हबना लहू अहलहू वमिसलहुम माहुम रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब। वह हबना, और हमने बिला मुआवजा दिया, लहू उसके लिए, अहलहू उसकी अहलियत वाले, वमिसलहुम और उस जैसे, माहुम उनके साथ, रहमतम मिन्ना अपने पास से रहमत, वज़िक्रा लिउलिल अलबाब यानी याद दहानी है मगज़ की क़ुव्वत वालों के लिए, यानी अक्लमंदों के लिए। तो इसका रवा तर्जुमा, और हमने उसकी अहलियत वालों को और उन जैसे ही उनके साथ उसके लिए बेगर्ज यानी बिला मुआवजा दिया, अक्लमंदों के लिए याद दहानी और हमारे पास से रहमत है। वखुज़ बियदिका ज़िगसन, वखुज़ और पकड़ो, बियदिका अपनी क़ुव्वत को, जिगसन परेशान कौन। अब जिगसन का इन्होंने झाड़ू कर दिया, तो ये कतन गलत है। जिगसन परेशान कौन को कहा जाता है। फजरिब बस बयान करो, बेही इस किताब के ज़रिए, वला तहनस और नहीं तुम हनस करो। हनस कहा जाता है, ये जो हंस है, हे नून और से, इसके मानी होते हक से बातिल की तरफ रुजू। इन्ना वजदना हो, बेशक हमने पाया उसे, साबिरन साबित कदम, डट जाने वाला। नेमल अब्दो तो नेमत वाला ताबेदार है, इन हुआ अव्वाब बेशक वो रुजू करने वाला है। लेकिन इस बात जैसे आपको गलती का एहसास हो, अगर आप रुजू कर लें तो उसी को रुजू करने वाला कहा जाएगा। देखिए यहाँ से तस्दीक भी हो रही है कि अब क्योंकि रुजू करने वाला था इसलिए अय्यूब कहलाया। तो इस आयत का रवा तर्जुमा हो गया, और अपनी क़ुव्वत को परेशानी पर पकड़ा, बस इस अलकिताब के ज़रिए बयान करो और तुम हक़ से बातिल की तरफ रुजू नहीं करो, बेशक हमने उसे साबित कदम पाया, नेमत वाला ताबेदार, बेशक वो रुजू करने वाला है। तो ये थी आयत और इसका मैंने लफ्जी तर्जुमा करके बता दिया। तो यहाँ से ये बात वाज़े हो गई कि ये तमाम कुछ जो है, जब भी कोई गलत काम आपसे हो जाए, किसी सरकशी में दाखिल होकर आपने कुछ हासिल कर लिया और नतीजा गलत, जैसे आज पूरी मुस्लिम दुनिया सरकशी में दाखिल है और नतीजा दुनिया में ज़लील व ख़ार हैं, तो जैसे इस बात का एहसास हो जाए कि इससे हमने क्या हिस्सा हासिल किया था, एक सज़ा में हम आ गए, तो फिर अपनी तेज़ क़ुव्वत को तेज़ी से भगाना, यानी आप ज़हनी क़ुव्वत को तेज़ी से भगाएं कि कहाँ गलती है उसका अंदाज़ा करें, और फिर जब आपको किताब से उसका हल मिल जाता है तो वो मुख्तसिल उन बारदों व शराब हो जाता है, यानी आपको ऐसा साफ सुथरा कर देता है कि उसमें ठंडक भी है और सैराबी भी है। तो फिर क्या करता है नतीजे के तौर पर अल्लाह कि उसको बिला मुआवजा देता है, उस जैसी अहलियत वाले और उस जैसे उनके साथ, और भी जो यकीनी सी बात है कि उसकी रहमत है। और ये याद दहानी किसके लिए? अक्लमंदों के लिए। जो अक्लमंद हैं किताब को समझेंगे, अल्लाह के अहकामात को समझेंगे, वही रुजू करेंगे। उसके बाद ये कहा कि तुम अपनी क़ुव्वत को परेशान पकड़ो, जो परेशान क़ुव्वत है इसको तुम पकड़ो कि परेशानी क्या है, फिर बयान करो इस किताब के ज़रिए, हक़ से बातिल की तरफ रुजू नहीं करो, बल्कि आपको बातिल से हक़ की तरफ रुजू करने आना है। इसलिए कह रहा है कि इन्ना वजदना साबरन, फिर बेशक हमने उसे साबित कदम पाया। जब साबित कदम हो जाते हैं तो वो ताबेदार नेमत वाली ताबेदारी हो जाती है, और वो कब होता है कि बेशक वो रुजू करने वाला होता है। यहाँ जो सबसे अहम सवाल था कि ये जिक्सन का झाड़ू का तर्जुमा, जो मुझसे बाज़ लोगों ने कहा, पहले भी मैं कर चुका हूँ और सूरह साद के उसमें भी कर चुका हूँ। तो मुझसे जो सवाल ये हुआ था कि हक़ से बातिल की तरफ रुजू आपने कैसे निकाल लिया, या जगस का आपने ये जगस के को परेशान कौन आपने कैसे बता दिया, जो झाड़ू इन्होंने लिखा है इसको आपने परेशानी कैसे बताया। तो मैंने पहले भी बताया था कि किसी लफ्ज़ के मानी लेने के लिए आप बजाय लुगात के सहारा लेने के, लुगात भी लोगों की लिखी हुई है, कुरान का ही सहारा लें। तसरीफ़ आयत के ज़रिए जो बात वाज़े होती है उससे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं होता है। तो यही लफ्ज़ जो ज़गस है इसकी जमा अज़ग़ास है, और यह कुरान में दो जगह और आया, यानी इस लफ्ज़ से, इस मादे से तीन जगह टोटल है। एक तो ये हो गया और दो जगह और है। एक है सूरह अंबिया और इसकी आयत नंबर है 6। इसमें आप देखें यहाँ पर है बल कालू अगास अहलाम बल इफ्तरा बल हुआ शायरुन फलियातिन अबियातिन कमा उर्सलवलून। तो यहाँ इन्होंने खुद ही असगास का परेशान लिखा है। असगास जगस की जमा है, तो वहाँ झाड़ू कैसे हो गया, यहाँ परेशानी कैसे हो गई, क्योंकि यहाँ झाड़ू बनाने से रहें अहलाम हलम से बुर्दबारी से इन्होंने परेशान कुन ख्वाब बनाया, जबकि यहाँ पर परेशान कुन बुर्दबारी है। इसी तरह ये लफ्ज़ सूरह यूसुफ में भी इस्तेमाल हुआ है, सूरह नंबर 12 और इसकी आयत नंबर है 44-44। यहाँ भी देखिए कालू अज़गास अहलाम, इन्होंने तर्जुमा किया कि उन्होंने कहा परेशान ख्वाब है, जबकि हलम यानी अहलाम जो हलम से हलम कहते हैं बुर्दबारी को, हलीम इसी से निकला है, और अज़गास परेशान इन्होंने खुद लिखा है। तो उन्होंने कहा ये परेशान कुन बुर्दबारी है, क्योंकि बात जो यूसुफ बता रहे थे परेशान कुन बुर्दबारी है। मैं इस वक्त इन आयतों की तशरीह में नहीं जाऊँगा, सिर्फ ये ज़गस का तर्जुमा परेशान कैसे लिया ये समझाने के लिए मैंने इन दो जगह को आपको दिखाया है। तो हर जगह मेरा उसूल यही है कि मैं सबसे पहले तशरीफ़ आयत से माने लेता हूँ, तशरीफ़ आयत से मिल जाए तो सबसे बेहतर है। उसके बाद फिर देखते हैं कि अगर कोई लफ्ज़ तशरीफ़ आयत के ज़रिए नहीं मिल रहा है तो वो फिर लुगात के ज़रिए वो मानी जो बात को समझा सके, जो काबिल अमल अहकामात हो उसको लेते हैं, अगर काबिल अमल नहीं हो तो उसे नहीं लेते हैं। मेरे ख्याल में इतनी वजाहत काफ़ी है, फिर भी कोई सवाल हो तो बाद में पूछ सकते हैं। सलाम।